सभी का हमारे स्टॉल में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन वाला एकमात्र हमारी पृथ्वी है। हमें पृथ्वी से जो कुछ मिलता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। हमारी एक छोटी सी कविता में हमारी धरती की वर्तमान स्थिति का पता चल जाता है। रहा न जल पीने लायक, बावल न पीने लायक, गर्मी भी हो रही है बंजर, कैसा है ये बंजर। कान कोड़ती आवाजों का पहला घातक शोर, उर्वरकों की बीमारी का घूमने पर है जोर। पानी बिजली की बर्बादी, नित बढ़ती ये आबादी, लुप्त हो रहे वन जंगल, लुप्त हो रहे प्राणी, जलवायु और ये भूमि कुछ भी स्वच्छ अब रहा नहीं। रोग मिल गए ऐसे ऐसे जिनकी कोई दवा नहीं। आओ एक छोटी सी नेचर वॉक के द्वारा हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी गलत आदतों को सुधार कर पृथ्वी को खुश रख सकते हैं। अरे यह क्या लिखा है रियारूल, ये क्या है? अच्छा रियारूल का मतलब है रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। यह रूल हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अरे यह क्या चारों तरफ कूड़ा फैला पड़ा है? जी बहुत बदबू भी आ रही है, चलो हम इसे उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। सूखा कूड़ा नीले कूड़ेदान में और गीला कूड़ा हरे कूड़ेदान में। अरे यह क्या कर रही हो? पानी की बाल्टी तो भर गई है फिर भी नल चल रहा है। देखो कितना पानी बर्बाद हो रहा है और आरओ एसी के नीचे से भी कितना पानी बह रहा है। चलो हम नल बंद कर देते हैं और आरओ एसी के नीचे बाल्टी लगाकर उसका पानी सेव करते हैं। हे भगवान दिन में भी लाइट जला रखी है, सूर्य की रोशनी तो आ रही है फिर भी लाइट, ये तो बहुत गलत बात है। चलो हम लाइट बंद कर देते हैं और सोलर एनर्जी अपनाते हैं। अब लग रहा है ना सुंदर? उफ मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। चारों तरफ वाहनों और फैक्ट्री का धुआं ही धुआं है। हमें फैक्ट्री के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो सके। ऐसे ही हम अपनी छोटी छोटी गलत आदतों को सुधार कर पृथ्वी को खुश रख सकते हैं। धन्यवाद।